मेरा सवाल था कि हम मसीह मौत को नबी मानते हैं, जी लेकिन बाकी जो गैर अहमदी हैं वो कहते हैं कि, बल्कि मुसलमान वो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। तो उसमें मेरी कन्फ्यूजन थी कि क्या कन्फ्यूजन थी? हाँ, हज़रत आयशा से किसी ने पूछा था, सवाल किया था, आयशा ने फरमाया ये तो कहो कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, जी हजूर, लेकिन ये ना कहो कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। खातमुन नबीयीन का मतलब ये है कि आप पे आके शरीयत ख़त्म हो गई। जी हजूर, कुरान करीम ने भी यही कहा है ना, दीन कामिल हो गया है और तुम्हारी नेमत जो है वो पूरी हो गई, ये जो नेमत मिलनी थी। तो शरीयत कामिल हो गई आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अब कोई शरीयत लेके नबी नहीं आ सकता, कुरान के बाद कोई नई किताब नहीं आ सकती, लेकिन आपकी पैरवी में नबी आ सकते हैं और आपकी पेशगोई के मुताबिक ही 14वीं सदी में आना था ना मसीह मऊद ने और महदी मऊद ने। तो जो हज़रत ईसा को जो उतार के लेके आएंगे ज़मीन पे, जब जब भी वो भी तो नबी होंगे, उनको अल्लाह ताला नबी बनाया था ना, हाँ? तो जब आएंगे वो नबी नहीं होंगे, या उनका वो जो रुतबा था या स्टेटस था जो अल्लाह ताला ने उनको पहले नबूवत का दिया था वो छीन लेंगे ये लोग आते ही, या किसी के ऊपर अल्लाह ताला इल्हाम करेगा कि अब ये नीचे उतर रहे हैं तो ये नबी नहीं होंगे, तो किस तरह फिर वो करेंगे इसलाह? ठीक है, तो जो भी मसीह माऊद आना था उसमें नबी होकर ही आना था, लेकिन उसी शरीयत की पैरवी करनी थी जो आज सुनाए कि नई शरीयत नहीं होगी। ठीक है, आ सलम पे शरीयत ख़त्म हो गई, अब कोई नई शरीयत नहीं आ सकती। पहले नंबिया में नई नई शरीयतें आती थी ना, हैं, अजनू की आई, मूसा की आई और आ सलम पे आके ख़त्म हो गई। तो अब आपके बाद आपकी शरीयत पे चलेंगे सारे और इसी शरीयत में से नबी आ सकता है। ठीक है,